हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो डियर गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे और उत्तर मध्य रेलवे यानी एनसीआर रेलवे के बारे में बात करेंगे। जिन कैंडिडेट्स का यहां पर मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था तो उनका यहाँ पर सेकेंड चांस दिया गया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाया था। तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है जिससे कि आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, रेल भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज डिवीजन की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है और यहां पर आवश्यक सूचना में बोला गया है कि एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन संख्या 1/2021 के अंतर्गत शिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु दस्तावेज सत्यापन के संबंध में, तो बोला गया है कि उपरोक्त विषय में एक्ट अप्रेंटिसशिप जोनल नोटिफिकेशन संख्या 1/2021 के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के मंडलों एवं कारखानों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु रेल भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय में दिनांक 11 अक्टूबर 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक आयोजित दस्तावेज सत्यापन में अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका देते हुए दिनांक 22 अक्टूबर 2021 की तिथि निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये नोटिफिकेशन नंबर है, यानी फिलहाल में जो वैकेंसी आया हुआ था उसका मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट में जिन कैंडिडेट्स का नाम है और उनको 11 से 14 अक्टूबर के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना था बट किसी कारण बस वह नहीं जा पाए, तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स को सेकेंड चांस दिया गया है कि अगर आप इस डेट में नहीं आ पाए तो आप 11 से 14 अक्टूबर के बीच अगर आप किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए तो आप 22 अक्टूबर को आ जाइए। सभी कैंडिडेट्स को 22 अक्टूबर 2021 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, जिन्होंने करा लिया है उनका ठीक है, ओके। अभी जो कैंडिडेट किसी काम में बाहर फंसे हुए हैं या फिर बहुत सारे कार्य होते हैं जिनमें फंस जाते हैं ना और उस कारणवश नहीं करा पाते, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ा अपडेट है, बिग अपडेट है और आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर अगर किसी कारणवश नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाए हैं तो आप 22 अक्टूबर को जाइए और वहाँ पर आपको ये लास्ट चांस दिया गया है, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। अंतिम मौके में भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपने 11 से 14 के बीच नहीं कराया, चलो ठीक है, आपको चांस दे दिया गया कि आप 22 तारीख को आइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अगर आप 22 तारीख को भी नहीं जाते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी, यानी आपको इसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, यहाँ बोला गया है। उक्त के संबंध में ना तो कोई अभ्यावेदन और ना ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कट ऑफ के संबंध में आपको कोई शिकायत है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ पर इसका निवारण हो सकता है। अतुल कुमार मिश्रा जी, अध्यक्ष रेल भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज का ये ऑफिशियल अपडेट है जो कि आपको ऑफिशियल अब जो है वेबसाइट पर मिल जाएगा। डियर गाइज, इसी प्रकार की जानकारी मैं आपके लिए लगातार लेकर आते रहता हूँ और आपको जो है अपडेट रखने के लिए मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूँ। अगर आपको मेरे मनोबल को बढ़ाना है तो सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, जो कि सभी कार्य बिल्कुल मुफ्त हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल चैनल से जुड़ जाना है और सभी जानकारी आपको मुफ्त में मिलती रहेंगी। तो डियर गाइज, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है और आप इसी प्रकार मेरा सहयोग करेंगे, मुझे जो है मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे। आशा करता हूँ अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।